मुंडक शाखीय मांडू को उपनिषद पर विचार करते हैं। प्रथम प्रकरण में है भगवान शंकर जी द्वारा लिखे हुए दो मंगलाचरण श्लोक की व्याख्या हो गया। अब जब ग्रंथ की उपयोगिता और ग्रंथ के विषय को कहने के लिए चल रहे थे, उपयोगिता यही दिखाया कि जैसे रोग ग्रस्त व्यक्ति दवाई खा करके बीमारी ठीक होकर अपने स्वस्थता को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, ये भवरोग एक बीमारी है, भवरोग से पीड़ित जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करके भवरोग से मुक्त होकर स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। ये दृष्टांत देखे जाने के बाद अब यदि ये स्वस्थता हमारे स्वाभाविक स्वरूप है कि ये आगंतुक है, मतलब साध्य है अथवा सिद्ध है, यदि ये साध्य है तो सर्व की तरफ अनित्य होगा, यदि ये सिद्ध है तो इसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं। तब यहाँ वेदांती बोलते हैं दोनों ही हमारी आवश्यकता, मतलब आप ये नित्य होते हुए भी साधन ज्ञान के लिए नहीं है, साधन अंतकरण शुद्धि के लिए प्रतिबंध मिटाने के लिए साधन की आवश्यकता है, और इस स्वरूप के नित्य होने के कारण मुक्ति जो है स्वर्ग की तरह अनित्य फल वाला नहीं। ठीक है, यहाँ तक प्रतिपादन करने के बाद आप देखिए पेज हमारे पुस्तक में सातवां पेज का जो लास्ट पेज था वहां तक हमने पढ़ लिए। विदुषो विद्यावस्थायां कर्तिकरणादि सर्वं आत्ममात्रं नातिरिक्तमस्ति। विद्वान पुरुष के ज्ञान काल में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान जो भी कुछ होता है वो सब अपने स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको अनुभव में आता है। उक्ता ऐसा कथन करके विद्या द्वारा सर्वस्व द्वैतस्य आत्ममात्रत्व वचना, विद्या के फलस्वरूप जो है सारा द्वैत प्रपंच हमारा स्वरूप आत्मा भिन्न और कुछ नहीं अधिष्ठान रूप है, सारा द्वैत प्रपंच स्वरूप तो अधिष्ठान रूप है, ऐसा निश्चय होने पर वचनात्मक है। विद्या निमित्त कार्यकरणात्मक द्वैत निवृत्ति, विद्या से क्या होता है कार्यकरणात्मक द्वैत प्रपंच निवृत्त हो जाता है, इसका सब आत्मा ही है। तो मैं कल बताया था कि ज्ञान विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान निवर्तक तत्व मिथ्यात्व परिभाषा है, उसको मिथ्या बोलते हैं। हमारी परिभाषा को समझेंगे तब आपको मिथ्या में कोई भ्रांति नहीं होगी। सत असत विलक्षणत्म मिथ्या, इसको सत रूप में भी नहीं कहा जाता और जिसको असत रूप में भी नहीं कहा जाता, सत होता तो बाधित नहीं होता, असत होता तो प्रतीति नहीं होती, सत होता तो बाधित नहीं होता, असत प्रतीति बन तो बाधित भी हो रहा है प्रतीति भी हो रहा है, इसलिए सत असत विलक्षणत्व मिथ्या, ऐसा जो वस्तु उसको मिथ्या बोलते हैं। तन्मय बताया था प्रतिबंध उत्प्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, ये अलग अलग आचार्य के अलग अलग परिभाषा। स्व आश्रयनिष्ठ अत्यंत अभव प्रतियोगित्व, जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है स्व आश्रयनिष्ठ अत्यंत अभव प्रतियोगित्व, जहाँ पे दिखाई दे रहा है आश्रय में वहाँ पे उसका अत्यंत त्रैकालिक अभाव, स्व आश्रयनिष्ठ
निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगिता, अत्यंत मतलब प्रलयकारी अभाव, जहां पे वो प्रतीति मतलब क्या है, प्रतीति मात्र है। द्वितीय और चतुर्थ लगभग एक ही पर द्वितीय हाँ प्रतिबंध होता है, चतुर्थ लगभग एक ही प्रकार के हैं, एक बोलते हैं कि आपको दिखाई देगा और वो बाधित भी होगा, ये बोलते हैं प्रतीति होना ही मिथ्या समझते हैं। इसलिए लास्ट में क्या बोला, पहले में यह सब सर्वसद विलक्षणत्तम और अंतिम आचार्य का ये है सब भिन्नत्तम मिथ्यात्म, जो सबसे भिन्न उससे सारा मिथ्या, सब एक मात्र सत्य है। हम लोग तैतृय उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की सत्य को परिभाषा दिया था, उसमें क्या कहा था, जद रूपेण जद निश्चीयते तद रूपम न व्यभिचरति तद सत्यम, जद रूपेण जद जो वस्तु जैसे निश्चय किया जाता है वो रूप में वो कभी व्यभिचार नहीं करता, इसी को हम सत्य कहते हैं। जद रूप भाष्यकार की भगवान शंकराचार्य की सत्य की परिभाषा ये है, जद रूपे जद निश्चीयते तद व्यभिचरति तद रूपेण जद निश्चीयते, ये तैतृय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भाष्य में आया है, ठीक है ना। जिस वस्तु को आपने विस्तृत से निश्चय किया वो रूप यदि कभी व्यभिचार नहीं करता, परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य वस्तु, और निश्चय किया परंतु रूप में परिवर्तन करता है, मिथ्या वस्तु। स्व आश्रयनिष्ठ अत्यंत अहम, स्व आश्रयनिष्ठ जहाँ पे वो दिखाई प्रतीति हो रहा है वहां पर ही वो नहीं है, जहां पे वो दिखाई दे रहा है वहां पर ही वो नहीं है, वो प्रकृति मात्र है, यही मिथ्या है। जगत दिखाई पड़ता उसकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सारा संसार आत्मा अधिष्ठान मात्र है, अभिलंबन ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक हम पढ़ लिए आगे, तथा च विद्या तो द्वैत निवृत्ति निर्देशा तस्य अविद्यात्म अवगत्यते, ज्ञान से मिट जाता है इसलिए वो अविद्या से प्रतीति मात्र होते, पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ऐसा सूचित होता है, प्रकाशित होता है। तथा च इसके फलस्वरूप 12 नंबर टिप्पणी, विद्या अवस्थायां सर्वस्य आत्ममात्रत्व कथना, ज्ञान अवस्था में क्या दिखाई देगा आपको, इदं सर्वं जदयम आत्मा, सारा आत्मरूप में दिखाई देगा, यानी कि नाम रूप आत्मभजन प्रपंच प्रकृति होने पर भी सत्यत्व बुद्धि उपयोगिता बुद्धि मिट जाती है, इसीलिए बोलते हैं तथा च इस प्रकार विद्या अवस्था में केवल मात्र आत्मा ही रहने के कारण विद्यातः विद्या से तस्वीर प्रत्यय यहाँ पे द्वैत निवृत्ति निर्देशा, द्वैत की निवृत्ति का निर्देश होने के कारण तस् मतलब द्वैतस्य अविद्यात्म अविद्या आविद्यक है, वो द्वैत प्रपंच आविद्यक है, अज्ञान के कारण प्रतीति होते हैं, ऐसा अवद्योत्यते ऐसा प्रकाशित होता है, ऐसा प्रकाशित होते हैं। भाष्य में देखिए वहां पे आया हुआ है जहां जिसके ऊपर भाष्य, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मै बाहु तत् केन कं पश्य केन कं विजानीया, फिर आगे क्या लिखा है, इत्यादि श्रुतिभ्यो, ठीक है ना, इस प्रकार श्रुतियों से वहां पे आदि पद से क्या लेना है, वहां से आदि पद से क्या लेना है, टीकाकार बोलते हैं आदि शब्द नेह नास्ति किंचन, है ना, यहाँ पे भिन्न तो नामक वस्तु है ही नहीं, मृत्यु से मृत्यु वापनोति यह नाना युग पश्यति, है ना, एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को तब तक प्राप्त करते रहेंगे जब तक आप भेद देखते रहेंगे, श्रुति बोलती है, यह बोलते हैं नेह नास्ति किंचन, यहाँ पे नाना तो भिन्न है ही, एक पर एक जो है परमात्मा स्वतः शुद्ध आत्मा जैसे भी आप बोलेंगे वही एक नेह नानास्ति किंचन, इस पर एक यहाँ पे नेह नाना इति अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी, बोला ना आश्रय निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी, इतना ही अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी, त्रैकालिक निषेध अत्यंत अभाव त्रैकालिक निषेध, जिस समय मैं नहीं देख रहा था उस समय भी सर्प नहीं था, जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी सर्प नहीं था, जब मेरा अधिष्ठान की ज्ञान है तब तो सर्प है ही नहीं, ये निश्चय कौन करता है, देखने वाले भी तो स्वयं अपने आप करते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं कि नाना इति अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगितम, है ना, अधिष्ठान जिस अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है उसी में ही उसका त्रैकालिक निषेध हो जाता है, पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, हमारे पुस्तक में जाते पुस्तक में
अधिष्ठान को पर अधिष्ठान निश्च अधिष्ठान सत्यत्व बोधाय वाक्यांतरम समच्छिन्नति। तो सब यदि मिथ्या हो गया तो सत्य कौन वस्तु है? अधिष्ठान सत्य है। इसको दिखाने के लिए एक अन्य वाक्य एक छांदोग्य सिद्धि वाक्य को यहाँ पे समुच्चय कर रहे इसके साथ। वहां पे भगवान भाष्य का जात्र तो सर्वमात्मे बाबू का फिर आनंद गिरि जी ने तेहन नास्ति किंचन ये भी कहा। वहां पे एक बात को जब सभी आप निषेध कर रहे हो तो बचेगा कौन? बचेगा कौन? अधिष्ठान बचेगा। उसको भविष्य वाक्यों के आधार पर दिखाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वाक्य को सभी वाक्यों को आओ समुचित समुचित मतलब समुच्चय मतलब मिला रहे हैं। समुच्चय मतलब जोड़ना मिला रहे। यहाँ पे कौन सा वाक्य लाएगा? ये वस्तु सारा जो भी संसार में दिखाई पड़ता है पृथ्वी का भी कारण है। तो आप पृथ्वी तक तो पहुंच जाएंगे। अंत लगेगा पृथ्वी कारण है इस सब पर पृथ्वी में आपेक्षिक सत्यत्व आएगा। क्योंकि मान लो इस लकड़ी के तुलना में पृथ्वी में लंबा समय तक रहते हैं ये पृथ्वी भी एक कार्य है। अन्येन सौम्य शृंगेन अपमूलम अन्यच्छान्त वस्तुति है। ये सृष्टि की भी जो अभिप्राय है ये प्रियदर्शन ये सौम्य शब्द आया हुआ है। सौम्य शब्द ये अधिकारी का बोधन है। सौम्य मतलब अभिप्राय ये है कि चंद्र की शीतलता होती है ना मन जिसका शांत शीतल हो वो व्यक्ति इसको समझ सकता है। हर जगह पे देखना कि जहाँ कहीं पे कुछ संबोधन करके बात करते हैं तो संबोधन अधिकारी का बोधक होता है। अधिकारी का बोधक होता है आत्मज्ञान के लिए। विचार करने से आपको पता लग जाएगा। मैं लिखूंगा आपको नहीं मिलेगा। उस ये सब शब्द जो संप्रदाय के आचार जैसा होते हैं जहाँ कहीं भी कुछ संबोधन के लिए काम करके कहा जाता है उस प्रसंग में उस संबोधन का जो अर्थ है वो उपयोगी है और अधिकारी तो परिचय करते हैं। तो क्या क्या बोला वहां पे सदैव सौम्य इदं सौम्य बोला और वाचारं मनं विकार नाम ध्येय वृत्ति का इत्येव सत्य। हमें पता है मूल कारण ही एकमात्र सत्य है। ये प्रक्रिया श्रुति आपने अब करके भी दिखाया। अन्येन सौम्य शृंगेन अपमूलम अन्यच्छ पृथ्वी रूपी कार्य को देख कर इसके कारण को जानने का इच्छा कारण का अनुसंधान तो आप जल तक पहुंच जाएंगे। फिर अद्भि सौम्य शृंगेन तेज मूलम अन्यच्छ जल रूपी कार्य को देख करके आप उसका मूल तेल उसको अन्वेषण करो। इस प्रकार से तेल से वायु वायु से आकाश है ना फिर सब सत तब हो जाएगा आप कि सन मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सत आयतना सत प्रतिष्ठा है ना। यही सारा सृष्टि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इसका मूल है उस सत तत्व उसी के आश्रय में रहते हैं आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी के यहाँ पे असमुचय करने के लिए बोल रहे हैं कि नाना इति अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगितम द्वैतस्य अविदधत द्वैत प्रपंच का ऐसा कथन करते हुए वाक्यम वाचारम मन वाक्यम च प्रीतम वाचारम मन वाक्यम तो वाचारम मन विकारणां देय वृत्ति कैतेव सत्य। ये छांद को श्रुति है संपूर्ण के षष्ठ अध्याय के द्वितीय खंड में नहीं आया है प्रथम के द्वितीय खंड। अच्छा ये हो गया आपका इत्यादि पद का अर्थ हो गया ठीक है ना। फिर आगे भाष्य में आया हुआ है इत्यादि श्रुतिव्य अस्य अर्थस्य सिद्धि मिला इत्यादि श्रुतिव्य इस प्रकार श्रुति वाक्य से इस ब्रह्म अधिष्ठान की सत्यत्व और जगत में व्यवहारिक पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये अस्य अर्थस्य सिद्धि होता है अस्य वंतमस द्वैत गत अविद्या कृतत्वस्य द्वैत प्रपंच जो दिखाई पड़ता है वो अविद्या कृत है। द्वैत जो द्वैत की बोध अथवा द्वैत की प्राप्ति अविद्या कृत है इस अर्थ का बोध होता है। कौन सी श्रुति वाक्य ये श्रुति वाक्य जो द्वैत गत अविद्या कृतत्वस्य अर्थस्य बोधक है ना अर्थस्य सिद्धि से सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक की भाष्य हो गया इधर का। फिर आगे आएंगे देखिए टीका में टीकाकार क्या बोल रहे हैं कि विषय प्रयोजन आदि अनुबंध उपन्यास मुखेन ठीक है ना विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध इसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। इसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। अनुबंध उपन्यास मुखेन अनुबंध की भूमिका के रूप में देखा करके ग्रंथ आरंभ स्थिति मतलब ग्रंथ की शुरू करना युक्ति संगत उपयोगिता है ऐसा सिद्ध होने पर
प्रत्येक चार अलग अलग प्रकरण आया हुआ है, एक प्रकरण दूसरे के साथ कोई मतलब पुनरुक्ति नहीं है, अलग अलग विषय को प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक प्रकरण चतुष्टयस्य प्रत्येकम् असंकीर्णम्। असंकीर्ण मिला हुआ नहीं है, संकीर्ण होता मिला हुआ, असंकीर्ण भिन्न है, सबका विषय भिन्न अलग अलग है। प्रमेयम असंकीर्णम प्रमेयम भिन्न भिन्न, इसका प्रमेय मतलब जो वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हो, प्रतिपत्ति सौकर्यर्थम, वो पहले से हमारे मन में भगवान भाष्यकर बैठाना चाहता है ताकि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। प्रतिपत्ति मतलब बोध सौकर्य, मतलब आसानी से समझ में आ जाए, ये सौकर्यर्थम सूचितव्यम। इसलिए इसको पहले किसी चीज को हम कहना चाहते हैं अथवा जो आगे प्रतिपादन करना चाहता है, ये वेदांतिक शैली है। पहले आपको संक्षेप में बताएंगे, फिर इसका विस्तार से समझाएंगे हेतु और दृष्टांत के द्वारा, फिर उपसंहार करेंगे। ये हमारी शैली है वचन की, मतलब प्रतिपादन शैली ऐसा है। किसी भी जगह में कहीं भी आप प्रवचन हो, किसी विषय हो, आपको पहले एक शब्द आपने बोला कि आप इसको पढ़ोगे। अब जिस वाक्य को आपने लिया, मान लीजिए बता आत्मा वाले द्रष्टव्य, बस इतना ही, तो ये अपनी प्रतिज्ञा है। अब ये इस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको उसको कैसे द्रष्टव्य है उसका वर्णन करना, फिर उसका जानने से क्या लाभ होगा, और आत्मा वाले द्रष्टव्य तो जगत द्रष्टव्य क्यों नहीं है, इससे ज्यादा व्यवर्थ क्या है उसको भी समझाना। मैंने जब बोला आत्मा वाले द्रष्टव्य यानी कि जगत द्रष्टव्य नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताना, तब जाकर के आपके वक्तव्य में आपकी प्रतिज्ञा में पुष्टि आती है। आत्मा क्यों द्रष्टव्य है और बाकी कुछ कुछ व्यवर्थ वस्तु क्यों द्रष्टव्य नहीं है, ये प्रतिपादन करने के बाद निगमन में आपको होता है। देखो मैंने बोला था आत्मा वाले द्रष्टव्य वस्तु, इसलिए आत्मा ही एकमात्र संसार में जानने योग्य वस्तु है, ऐसा मन शैली होती है। यहाँ भगवान भाष्य का चार प्रकरण आते हैं, यहाँ पे तो चार प्रकरण के विषय को संक्षेप में कह देंगे, संक्षेप में फिर इसका विस्तार से समझाने के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं किस प्रकरण में क्या क्या विषय है, तो यहाँ पे बोलते हैं विषय प्रयोजनादि अनुबंध उपन्यास मुखेन ग्रंथ प्रारंभ मुखेन ग्रंथ आरंभ स्थिति सति प्रकरण चतुष्टयस्य प्रत्येकम असंकीर्णम प्रमेयम, मिला हुआ विषय नहीं है, प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम बोध की शुभ्रता के आसन के सूचयितव्य, हमको ये पहले मतलब सूचित कर देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। इति आह तत्र तावत् इसके विषय के, तावत् मतलब सबसे पहले, तत्र मतलब इसके विषय के विषय में, यहाँ के ग्रंथ के विषय क्या है, तत्र शब्द में इस विषय में हम पहले सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं वो कहेंगे। छोटा टिप, छह नंबर टिप, देखिए ये चीज को अनुबंध अब क्यों दिखाने की आवश्यकता है, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुबंधत्म, अनुबंध की परिभाषा है, हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द की परिभाषा में क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति प्रयोजकम, आप किसी विषय में आप प्रवृत्त होंगे उसके पीछे हेतु क्या है, प्रयोजक मतलब हेतु, मैं क्यों वेदांत तो पढ़ू, क्यों फिजिक्स ना पढ़ू, इस प्रवृत्ति के पीछे प्रयोजक क्या है, यानी इसलिए बोलते हैं प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म, प्रवृत्ति के जो प्रयोजक है उसका ज्ञान जिसको विषय का उसको बोलते हैं अनुबंध, ठीक है। अनुबंध मतलब क्या है, आपका बंधन नहीं है, अनुबंध मतलब ये है आप किसी विषय में प्रवृत्त क्यों होंगे वो ज्ञान हमको होना चाहिए। देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय के 18 श्लोकों में ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोरी, कर्म में प्रेरणा देने के लिए तीन चीज काम करता है, क्या है कि क्या काम करने जा रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञेय वस्तु मतलब ज्ञेय वस्तु के ज्ञान और कैसे उसको प्राप्त करने उसके ज्ञान और जानने वाला कौन इसको जानेगा, ये तीन चीज को मिल करके तब कर्म में प्रेरणा होती है। कर्म प्रवृत्ति हेतु, प्रवृत्ति हेतु अनुबंध चतुष्टय जैसे यहाँ पे देखा रहे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे भगवत गीता में बोला ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, आपको तद्वस्तु संबंधित विषय ज्ञान उसको कैसे प्राप्त करे उसके ज्ञान और जानने वाला इसके बिना कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ भी अधिकारी विषय और प्रेरित, ठीक है, इसका ज्ञान चाहिए तभी जाकर के वस्तु में प्रवृत्त होंगे। इसलिए बोलते हैं
प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुबंध अनुबंध की परिभाषा हो गई ठीक है ना। अभी आपको अनुबंध चतुष्टय तो बोलते अनुबंध मतलब क्या है, हमारी प्रवृत्ति के लिए जो हेतु है उसको अनुबंध। अब ये अनुबंध तच्च ज्ञान, अब ये ज्ञान दो प्रकार के मुख्य चाहिए। एक क्या ज्ञान चाहिए कि स्व इष्ट साधनत्व प्रकारकम, एक ज्ञान इससे हमारी अभीष्ट वस्तु को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। स्व इष्ट साधन ज्ञान चाहिए, जिस वस्तु को मैं ढूंढ रहा हूं वो इससे हमें प्राप्त कर सकता है, पहले ये ज्ञान चाहिए। एक नंबर, परंतु दूसरी बात क्या है, मैं तो चाहता हूँ बाहर के मंजिल को चढ़ जाऊं, मैं चोटी को चढ़ जाऊं, ये हमारे अभिष्ट है, परंतु क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है? ये ज्ञान भी चाहिए कि हमारे अंदर सामर्थ्य है। ये दोनों यदि मानते हाँ मैं सामर्थ्य हूं मैं कर पाऊंगा, यहाँ पर हमको पहुंचना है, तब हम प्रवृत्त होंगे। हमने देखा कि वहां पर जाना है, मन होता है अरे मन पहुंच नहीं पाऊंगा, तो बाहर इस शरीर से लेकर बाहर चढ़ना संभव नहीं है, अब आप प्रवृत्त नहीं हो ठीक है। ये दो चीज मुख्य है, जिसे परिज्ञाता और ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञेय वस्तु का ज्ञान होने पर भी वहां पे जाने के उपाय की ज्ञान यदि हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हम फंसते भी हैं। इसी नाम देखिए बोलते हैं तच्च ज्ञानम द्विविधम, ये ज्ञान दो प्रकार की है। कैसा, स्व इष्ट साधनत्व, पहले क्या चाहिए हाँ इससे मेरा अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके मन में एक बार बैठ गया कर करूंगा क्या मतलब मिले कि ना मिले, ये शंका हो तो भी आप प्रवर्तित नहीं होंगे। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते है ना, यदि कोई ना कोई उद्देश्य के बिना कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो पहले हमारे इष्ट साधना तो बोध होना चाहिए, सेकंड whether I am eligible for that or not, अधिकारित्व जिसके वो अपने में समझना चाहिए। ये पूर्व मीमांसा दर्शन में यही घट लगता है, मैं ये चाहता हूँ और इसके लिए मैं अधिकारी उषांत ने कहा इसीलिए मैं इस काम को करूँगा ठीक है ना। ये दोनों चीज अनुबंध चतुष्टय को हर जगह पे किसी भी जगह पे व्यवहारिक जीवन में देखिए शास्त्रीय जीवन में देखिए अनुबंध चतुष्टय का आवश्यकता है। अनुबंध चतुष्टय के बिना कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए तत्च ज्ञानम द्विविधम इष्ट साधन प्रकारकम और स्वकृति साध्यत्व प्रकारकम, मतलब मेरे द्वारा कृति साध्यत्व मेरे प्रयास के द्वारा ये करना संभव है। स्वकृति साध्य अपने कर्म के द्वारा ये साध्य है, ये बोध नहीं मैं वहां चढ़ सकता हूँ ऐसे संभव है। यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी कथन, संसार में यदि एक व्यक्ति भी आज तक आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुआ तो तुम क्यों नहीं हो सकते, वो भी तो मनुष्य है, तुम भी मनुष्य। यदि नहीं हो सकते तो समझना कि अपने अंदर की कमी है, शास्त्र अथवा गुरु निर्देश की कोई कमी नहीं, स्पष्ट निर्देश तो वो कमी हम दूर करेंगे। अधिकारी है मैं इसको कर सकता हूँ और इससे हमारा अभिष्ट वस्तु प्राप्त भी हो जाएगा। इस प्रकार के दो ज्ञान होने पर व्यक्ति प्रवृत्त होता है ठीक है ना। इसे अनुबंध उपन्यास ग्रंथारंभ स्थित सति आदो प्रकरण चतुष्टयस्य प्रत्येकं असंकीर्णं प्रमेयं प्रतिपत्ति शोकार्थं सूचयितव्यं सूचयितव्यं इति आहुतत्र तावत् ठीक है। अब इतना ही मात्र, इन मतलब इस चार में सबसे पहले हम क्या कहना है, तत्र मतलब इन चार में और इसमें पहला तावत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं वहां पे देखिए, ओंकार प्रकरणस्य असंकीर्णं प्रमेयं संग्रहणाति। पहले जो श्रुति वाक्य है, श्रुति वाक्य में ओंकार की निर्णय के माध्यम से पहले अपना युक्ति, पहला हमारा गौर पदाचार्य की सिद्धांत नहीं है, पहले क्या है श्रुति वाक्य है। श्रुति वाक्य के आधार पर सिद्धांत तो मतलब ये वस्तु है, ये सिद्ध हो जाने पर तब उसको प्राप्त करने के उपाय बताएंगे, तब उसको प्राप्त करने के उपाय बताएंगे। इसलिए आगे बोलते हैं ओंकार प्रकरणस्य, ओंकार के जो प्रकरण है मतलब केवल ज्ञान का प्रकरण है, असंकीर्ण प्रमेय को इसमें अन्य जो आर तीन प्रकरण आ रहे हैं, वैदत्त प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलक्षण्य प्रकरण, उसके साथ इसका मिलावट नहीं है, वो अलग वस्तु को बोध कराएगा ठीक है ना। इसलिए हमें बोलते हैं असंकीर्ण प्रमेय संग्रहणादि, उसको संक्षेप में कहते हैं। तो पहला प्रकरण का नाम क्या है, आगम प्रकरण। आगम प्रकरण का विषय क्या है, ओंकार निर्णयाय, ओंकार के स्वरूप को निर्णय करने के लिए। ओंकार की तीन मात्रा है, अकार उकार मकार और एक साइलेंट मात्रा, चुप बैठो उच्चारण करने का थोड़ी देर के लिए चुप बैठे, दूसरा उच्चारण करने से पहले, दूसरा व्यक्ति मन में आने से पहले
जो आप ओंकार उच्चारण कर रहे थे ना, उस वृत्ति में मन को रख करके दूसरा वृत्ति आने से पहले तुम्हें रुक गए। वो जो रुकने का साधन है वो आपका शरीर है, वो केवल अनुभव में है। आप ओंकार उच्चारण बंद कर दिया, मतलब कोई भी एक थॉट फ्लो ऑफ थॉट चल रहा है, आप यदि उस थॉट अचानक दूसरे में चला जाता है, उस थॉट को रोक करके दूसरे थॉट आने से पहले यदि थोड़ी देर आप रोक सकते हैं उसको, तब आप क्या है आप रेजोनेंस। हाँ जी, वो जो है ये इसीलिए ओंकार उच्चारण करने के बाद दूसरा आप ओंकार उच्चारण करके समान को निश्चय किया, दूसरा ओंकार उच्चारण से पहले तो देर रुक गए। वो रुकने से आप अन्य कोई दूसरी प्रकार के थॉट को मन में आने ही ना दे, ओ उच्चारण जैसे बोले वही फ्लो से यही हमारी जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था है। इसी के अंदर अनुसूचित हमारे पारमार्थिक स्वरूप जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, बस इस भावना को मन में रखते हुए नेक्स्ट तो वो आपका स्वरूप स्थिति को थोड़ा आप बोध कर सकते हैं उसमें, परंतु वहां पे मतलब रुकना मुश्किल पड़ता है, वहां पर रुकना मुश्किल पड़ता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। तत्र तावत् ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण, पहला प्रकरण है आगम प्रधान, जो आया हुआ है निगमन मतलब निर्णय, मतलब इसी पर ही अंतिम निर्णय है। जैसे कि दोनों ही वेद के शब्द वेद के लिए बोलते हैं, जैसे प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आत्मा के अंदर जो तत्व अपने स्वरूप में जो तत्व छुपा हुआ है, तत्व क्या है उसका, शुद्धता असंगता पूर्णता व्यापकता, ये जो है ये तत्व का बोध की प्रतिपत्ति मतलब बोध के उपाय होता है, उपाय रूप है ओंकार को अवलंबन को ले जाके, क्योंकि मन निरालंबन होकर के नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ अवलंबन लेकर ही मन के अस्तित्व सिद्ध होते हैं। तो पहले आप परमात्मा का अवलंबन निश्वर का अवलंबन तो ओंकार ईश्वर का प्रतीक है, और यहाँ पे जो तीन मात्रा है उस तीन मात्रा ही हमारे तीन अवस्था है, इस प्रकार चिंतन करते हुए उसमें मन को लय करनी हो जाए ओंकार आत्मस्वरूप की प्रतिपत्ति का उपाय होता। ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण आगम प्रधान है ना, आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम आत्मस्वरूप के बोध के लिए उपाय भूत है। अच्छा देखिए अब टीका में आ जाएंगे इस प्रकरण इसके ऊपर, तत् निर्णयाय प्रकरण आरब्धम इति उक्तम, ये पूर्व से कहा कि आपने कहा कि ओंकार के स्वरूप के माध्यम से आत्म तत्व को निर्णय करने के लिए प्रकरण को शुरू किया जाता है, ये आपने कहा। परंतु ओंकार की निर्णतन निर्णय प्रमाण अभाव तस्वच अनुभोगिता, ये जो है ओंकार के माध्यम से आत्मस्वरूप का निर्णय होगा इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है, आपके कथन मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं होती, ठीक है ना, आपने के बारे बोला है इसके प्रमाण क्या है, इसलिए वक्त को पूर्व पक्षी बोल रहे तत् निर्णयाय मतलब आत्मस्वरूप को निर्णय करने के लिए आपने बोला कि प्रकरण को शुरू करना युक्तिसंगत है, परंतु इस विषय में मतलब ओंकार की माध्यम बना करके आत्मस्वरूप का निर्णय कर पाएंगे इस निर्णय में प्रमाण अभाव, कोई प्रमाण तो है आपके कथन मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आपका व्याख्या की उपयोगिता नहीं है, आपकी व्याख्या की अनुपयोगिता इसलिए तस्य अनुपयोगिता आपकी व्याख्या की उपयोगिता नहीं है। यहाँ भी एक टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, ये टिप्पणी कहाँ पे है, प्रमाण अभाव क्यों पर आप देखिए वहां पे सात नंबर टिप्पणी तन निश्चय रूप प्रमाण जनक करण अभाव, ठीक है व्याख्या क्या है उसका, यानी कि उस यदि वहां पे सात नंबर वहां पे लिखा हुआ है वो प्रमाण अभाव को प्रयोग जाना चाहिए, प्रमाण अभाव को क्योंकि तब आपको उसके साथ संबंध निर्णय को ना उसके साथ संबंध रखते हैं, मतलब आत्म तत्व को निरूपण करने के लिए ये प्रकरण है पहला प्रकरण है, इस विषय में प्रमाण की अभाव है, मतलब आत्म तत्व को चिंतन मात्र से आत्मज्ञान हो जाएगा इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं है, निर्णय से उसको प्रति वहां पे प्रमाण प्रमाण अभाव में है मनुष्य को नहीं होगा, किताब में 6 है नंबर जो भी है नंबर तो भिन्न है, तब निश्चय रूप
प्रमा जनक मतलब आत्म तत्व के निश्चय रूप प्रमा को उत्पन्न करने के लिए जो कारण होता है वो कारणत्व के अभाव है उसमें किसमें आपके इस प्रकरण में पहला प्रकरण में उसको प्रमाण के कारण किसको बोलते हैं प्रमाण किसको बोलते हैं प्रमा कारणम प्रमाणम प्रमाण बोलते हैं प्रमा कारणम प्रमाणम कारण किसको बोलते हैं असाधारण कारणम कारणम कोई वस्तु को सिद्ध करने के लिए जिसके बिना होना संभव नहीं है उसको बोलते हैं कारण कारण और कर्म कारण एक किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए कई कारण हो सकते हैं परंतु उस जिसके बिना वो होना संभव ही नहीं है उसको बोलते हैं कर्म असाधारण कारण कर्म और प्रमा कर्म प्रमा उत्पन्न होने के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं प्रमा प्रमा मतलब अबाधित ज्ञान अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्म प्रमात्म जो पहले आपका जाना हुआ नहीं था और जो ज्ञान फिर बाधित नहीं होता इस प्रकार के ज्ञान को प्रमा ज्ञान बोलते हैं इस प्रमा ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं प्रमाण ठीक है ना अब यहाँ किसलिए बोलते हैं तन निश्चय रूप प्रमा जनक मतलब उस प्रकार आत्म तत्व को निश्चय करने के लिए जो प्रमा उत्पन्न निश्चय रूप जो प्रमा है उसकी जनक उत्पन्न करने वाला कारण अभाव प्रमा कारण मतलब असाधारण कारण नहीं है कारण अभाव आदि कारण और कारण के भिन्नता को समझने का कारण शब्द प्रयुक्त असाधारण कारण उसकी यहाँ पे अभाव है किसमें इस प्रकरण में संतों में ऐसा नहीं प्राप्त होता है अब समझाएंगे इसमें कैसे होता है ठीक है तन निश्चय तो प्रमाण अभाव इसके हम को लगता है कि सात नंबर टिप्पणी प्रमाण अभाव थोड़ा सा अच्छा है तन निश्चय रूप प्रमा जनक करण अभाव प्रमा जनक करना मतलब प्रमाण आत्म प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थ है ना प्रयोजन नहीं है आत्म ज्ञान से परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है आत्म प्रतिपत्ति ही ज्ञान मतलब आत्म बोध ही परम पुरुषार्थ आत्म बोध से परम पुरुषार्थ प्राप्त ये भी नहीं बोल रहा है जो आत्म बोध है वही परम पुरुषार्थ है ज्ञान ही मुक्ति है ज्ञान से मुक्ति नहीं है ज्ञान ही मुक्ति है इसलिए बोलते हैं आत्म प्रतिपत्ति ही मतलब एक अर्थ में पुरुषार्थ उपयोगिनी उसके लिए उपयोगी है इति आशंक आगम इत्यादि विशेषण शंका के उत्तर के रूप में बोलता है देखो ये हम अपने मन से नहीं बोले तुम भी श्रुति को प्रमाण मानते हम भी श्रुति को प्रमाण मानते हैं अभी हम जो प्रतिपादन करने जाए वो श्रुति प्रमाण के बल पर इसलिए आगम गुरु परंपरा से इत्यादि विशेषण द्वयम ये प्रकरण का दो विशेषण दिया एक हो गया प्रथम और दूसरा हो गया आगम प्रधान प्रकरण है ना उपाध्याय भाष्य की पंक्ति में प्रकरण की तरफ दो शब्द है एक तरफ है प्रथम और दूसरी तरफ है आगम प्रधान आरोप प्रकरण हो गया आपका क्योंकि पहला प्रकरण है पहला प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण तो उसके लिए यहाँ पे दो विशेषण दिया फर्स्ट एंड बाय नेम इट इज आगम ठीक है ये दो जो विशेषण दिया गया है आगम में अभिप्रेत क्या है ये हमारी मनोकल्पित नहीं है ये श्रुति प्रमाण के आधार पर बोल इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रमाण की अभाव है सबसे बड़ी प्रमाण है शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण अन्य सभी प्रमाण की तुलना में सबसे बड़ी प्रमाण है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि दो विशेषण दिए आत्म प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थ आत्म ज्ञान से परम पुरुषार्थ सिद्ध होता उपयोगी नहीं उसके लिए उपयोगी है इति आशंक इस प्रकार बोलते वो बोलते हैं कि पुरुषार्थ उपयोगी नहीं बोलते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो पहले क्या बोल क्या उपयोगी नहीं है इसलिए लिखना नहीं चाहिए तब बोलते हैं आगम इत्यादि विशेषण इसको इस शंका को निराकरण करने के लिए दो विशेषण दिया गया है मैं बोला प्रथम क्यों बोला क्योंकि आपका प्रतिज्ञा बलवान होता है प्रतिज्ञा उपक्रम उपक्रम लिंग बलवान होता है उपशंकर लिंग को थोड़ा कमजोर लिंग उपशंकर को आपका उपक्रम कौन सा करना पड़ता है ये उपक्रम उपशंकर यदि आपको पूछता है बलवान कौन है तो बलवान हो जाएगा उपक्रम क्यों तो आप शुरू में जो कहने का प्रतिज्ञा करते हैं वो आपको बोलना पड़ेगा इसलिए प्रथम दिया मतलब उपक्रम में इसको प्रतिज्ञा करते हैं कि आत्मजन निरूपण करने के लिए उपकार का अवलंबन और उपसंहार में क्या होता है संजात विरति आपने बोलेंगे कुछ बोला और उपसंहार में कुछ और कह दिए ऐसा नहीं कह सकते आपका वक्तव्य जो है मतलब प्रमाण
सामान्य सिद्ध नहीं होगा। जिसको कहने के प्रतिज्ञा की तो उपसंहार में आपको ऐसे ही कहना पड़ेगा, यानी कि उपसंहार उपक्रम के ऊपर आधारित है, उपक्रम उपसंहार के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए उपक्रम बलवान होने से प्रथम विशेषण है। आगम उपदेश प्रधानम तब से क्या लेंगे आगम उपदेश प्रधानम मांडुक उपनिषद व्याख्यान रूपम। मांडुक उपनिषद उपनिषद की जो व्याख्यान है ना वो आगम प्रधान है, उपनिषद की व्याख्या तो आगम। और इसी श्रुति वाक्य के आधार पर ही जो अलग अलग तालिका आया, अलग अलग तालिका के प्रकरण आया हुआ है, अद्वैत प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, वो भी इसी वाक्य के आधार पर, अलग शांति प्रकरण, ये एक एक मंत्र के आधार पर उनके मन में नारायण कृपा से विचार आया है। मैं बताऊँ उस समय अंतर के इससे ये प्रकरण आएगा, इससे ये प्रकरण आएगा। तेन तत्र प्रामाण्यात् उक्त निर्णय शिष्यति, तेन तत्र प्रामाण्यात् उक्त निर्णय शिष्यति, न तु इदम् अयुक्ति प्रधानम्, न तु इदम् युक्ति प्रधानम्, न तु इदम् युक्ति प्रधानम्, तेन तेन जो वाट नंबर की प्रत्यय मतलब आगम शिष्यतेन, मतलब ये आगम के ऊपर आश्रित है, इसके फलस्वरूप प्रथम प्रकरण से आगम व्याख्यानतया आगम रूपतेन, पहला प्रकरण क्या है श्रुति वाक्य की व्याख्यान है परंपरागत, इसलिए वहां की आगम प्रथम प्रकरण से आगम व्याख्यानतया मतलब श्रुति वाक्य के व्याख्यान रूप होने कारण आगम रूपतेन, ये परंपरागत अर्थ होने के कारण ये प्रामाणिक है, आपको जो भी नहीं है तेन इस कारण से तत्र तत्र हो गया। नौ नंबर टिप्पणी, तत्र इति प्रथम प्रकरणस्य ओंकार निर्णायकत्वेन ओंकार निर्णये, ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व की अनुभव हो जाएगा। जो तत्र तेन तत्र मतलब आगम प्रधान ओंकार निर्णय, तत्र होगा आगम प्रधान होने के कारण, तत्र मतलब ओंकार के निर्णय में क्या हो जाएगा प्रामाण्य, वो प्रामाणिक है, एक श्रुति प्रधान है, इसलिए उक्त निर्णय शिष्यति, जो हमने कहा कि आगम प्रधान जो है श्रुति वाक्य है, उस श्रुति वाक्य को ओंकार की जो मात्रा और जीव की जो ओंकार अल्पात हमारा जातस्तिम पात, इन दोनों में समानता दिखा है यहाँ पे, इसी से आत्म तत्व का अनुभव होगा, शिष्यति हो जाएगा। तेन तत्र प्रामाण्य आगम प्रधान होने के कारण ओंकार निर्णय के विषय में प्रामाणिकता होने से उक्त निर्णय शिष्यति आत्म तत्व का निर्णय हो जाएगा। आरोपित रूपम, वहां पे कुछ जो आरोपित रूप नहीं है, आरोपित तो नाम रूप है,
आत्मा को आरोपित नाम रूप है, परंतु उसको विद्यमान का जिस प्रकार देखिए, मैं कई बार कहा यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? पेट नाम बोल रहे हैं पेट, परंतु दिखाई पेट नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है एक सिलिंड्रिकल वस्तु और लाल रंग, और आप इसको देख करके माइंड में इसका संस्कार है चित्त भूमि से तुरंत उसको उत्तर आता है पेट। परंतु देखिए इसके अंदर सच्चिदानंद भी विद्यमान है कि नहीं है, ये सत भी है, ये विद्यमान है, इसका स्फुरन हो रहा है, पर हमारे लिए उपयोगी है इसका आनंद ही है। तो एक ही जगह पे नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता और सत चित आनंद छह वस्तु एक ही जगह पे विद्यमान है। हमारी दृष्टि केवल मात्र नाम रूप को देख कर दृष्टि के साथ बुद्धि, दृष्टि के साथ बुद्धि केवल मात्र नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता को देख करके रुक जाते हैं, परंतु वहां पे आता पेनिट्रेटिंग आइस चाहिए, एक्सरे व्यू चाहिए। जिस प्रकार देखिए सूर्यालोक में सब कुछ दिखाई देने पर भी आपका हाथ की हड्डी पैर की हड्डी टूट रहा है कि नहीं, या सूर्यालोक से देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, उसके लिए एक्सरे चाहिए। ठीक इसी प्रकार सूर्यालोक से आपका पेन दिखाई देने पर भी सच्चिदानंद को देखने के लिए आपका एक मानसिक दृष्टि, एक अंदर की दृष्टि चाहिए। यहाँ पे यदि सच्चिदा वस्तु की सत्ता पहले सिद्ध होती है, यदि इसका सत्ता सिद्ध नहीं होता तो नाम रूप कहां से आता? और ये सत्ता हमारी सत्ता के साथ सत्ता नहीं तो करके एक होकर के दिखाई दे रहा है, सत्ता एक ही है, इसीलिए इसके लिए कोई प्रमाण काम नहीं करता। सत्ता को जानने के लिए भी प्रमाण नहीं है कि प्रमाण प्रमाण के रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूँ, ये प्रमाण से बचे है, जिसके रहने के कारण प्रमाण प्रयोग होता है, उसी सत्ता से सत्ता नीत हुआ है। तो हमारे ये चाहिए व्यू धीरे 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 धीरे, इसी प्रकार से निर्णय कर ओंकार के निर्णय के माध्यम से आप आत्म तत्व को समझ सकते हैं, ओंकार के निर्णय के माध्यम से आत्म तत्व को समझ सकते हैं। उसे क्या भी बुद्धि का अनुपयोगिता न चाहे अयम ओंकार निर्णय न उपयुज्यते जब आत्म तत्व जो आत्मा का स्वरूप है अनारोपित रूपम, जो ये नाम रूप अर्थ क्रिया करता आरोपित है, सच्चिदानंद अनारोपित रूप है, तब प्रतिपत्ति प्रतिपत्त उपाय, तो उसकी प्रतिपत्ति में एक उपाय होने के कारण परम फले पर्यवस्यति उपदेश वशात् अधिगंतव्यम् इति अर्थ। यहाँ तक जो पहला प्रकरण संबंधित भिन्न समीक्षा संबंधित है, क्या बोलते हैं? अतश्च इसके फल स्वरूप आद्यम प्रकरण, आद्यम प्रकरण मतलब आगम प्रकरण है, आगम प्रकरण ओंकार निर्णय, ओंकार का निर्णय करके अवांतर फल दारिन, अवांतर फल आपको ओंकार संबंधित ज्ञान परिचय का रूप में कुछ बोध होगा ईश्वर की, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा उसको माध्यम बना करके तत्व ज्ञाने परम फले निर्विशेष निराकार रूप जो है जो तत्व ज्ञान है तात्विक जो ओंकार के स्वरूप है वो जो परम ज्ञान दैट इज द हाईएस्ट, उसके आगे और कुछ नहीं है। ईश्वर के पीछे भी एक निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप है, ईश्वर का हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उसके आगे हमारा शब्द प्रयोग नहीं है, परंतु ईश्वर को दिखा करके हम ये कह सकते हैं इसके पीछे वाला जो है जिसमें ये उपाधि बात नहीं है, ईश्वर को दिखा करके हम क्या कहते हैं जिसमें ये उपाधि माया नहीं है, जिसके रहने के कारण माया काम कर पा रहे हैं वो निर्गुण निराकार निर्विशेष, उसके बोध से क्या होता है परम फले वो पर्यवस्यति उसके परिणाम से पर्यवसित हो जाता है, परिणत हो जाता है। इति उपदेश वशात् इस प्रकार यहाँ पे उपदेश होने के कारण अधिगंतव्य मतलब इस ओंकार को निर्णय करने पर ही हम मुक्ति रूपी फल को भी हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला प्रकरण के लिए संक्षिप्त विवरण दे दिया, आगम प्रकरण का संक्षिप्त विवरण। फिर उसके आगे क्या द्वितीय प्रकरण का क्या नाम है? वैतत्व। तो देखो बोलते हैं वितथस्य भाव वैतत्व तथा मतलब द थिंग एज इट इज, वितथा द थिंग व्हिच इज नॉट एज इट इज एज यू आर सेड, अतस्य भाव मतलब इसका जो एक क्या बोले विद्यमानता होता है उसका जो भाव उसको बोलते हैं वैतत्व, वितथस्य भाव वैतत्व न तथा वितथा the thing as it is and it is not like that, the opposite to it, the vita tha uska jo bhav usko bolte hai vai tatva, vita tha ki jo bhav usko bolte hai vai tatva, shay tatva ka aage ai laga hua hai adiyas ke beech mein vi ko vriddhi ho gaya tad jit mein adiyas ko vriddhi ho jata hai,
इसलिए वही हो गया। वैतत्त प्रकरणस्य अवांतर विषय विशेषम दर्शयति। देखिए अवांतर मैं पहले दिन बताया था इस प्रकरण में कैसा संबंध है, ओंकार के निर्णय के माध्यम से आत्म तत्व का निरूपण करना। आत्म तत्व का निरूपण करने में सबसे पहले प्रतिबंध बैठा हुआ है अपना ही शरीर, अपना ही शरीर। तो जब तक शरीर की मिथ्यात्व तो निश्चय, क्योंकि आत्मा मैं हूँ इस प्रकार बोध विषय रूप उत्पन्न नहीं होगा। जो शरीर विषय रूप में दिखाई पड़ रहा है ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ये निर्णय करना ये अवांतर था। इसलिए बोलते हैं ये वैतत्व प्रकरण की उपयोगिता क्या है, जिस कारण से हम अपने स्वरूप को बोध नहीं कर पा रहे उस प्रतिबंध को मिटाने के लिए जो मन में जागतिक वस्तु संबंधित वासना फिर शरीर रक्षा की इच्छा ये वास्तविक है नहीं, मिथ्या ही है, केवल कल्पना मात्र है, इसको दिखाने के लिए वैतत्व प्रकरण आया। तो सारा चीज कल्पना होगा तो अधिष्ठान भी कल्पित नहीं होगा। जिस प्रकार व्यवहार में क्या दिखाई पड़ते हैं, जिस रज्जु के ऊपर हमें सर्प भ्रांति हो रहा है और स्वयं भी बोलते व्यवहारिक रज्जु भी मिथ्या है, इस प्रकार से जिस आत्मा के ऊपर ये जगत प्रपंच दिखाई पड़े वो भी मिथ्या होना चाहिए। तब बोलते हैं नहीं अधिष्ठान तत्व सत्य, अधिष्ठान सत्य इसलिए अद्वैत प्रकरण, ये एक तत्व सत्य है बाकी सारा मिथ्या, ये केवल आप वेदांती बोलते हैं परंतु अन्नवादी तो द्वैत को लेकर के बोलते हैं। तो इस एकत्व के प्रतिपादन के फलस्वरूप अन्नवादियों के सिद्धांतों के साथ जो विरोध होता है उसको मिटाने के लिए अनाथ शांति। और अनाथ शब्द का अर्थ मैं पहले दिन बताया था, क्या बताया था, लकड़ी के माथे पे कपड़ा डाल करके उसमें मिट्टी का तेल लगा करके जब आम चलाते हैं उसको बोलते हैं अनाथ। अब उसको जब हम घुमाते हैं कोई व्यक्ति बीच में जाकर खड़ा होकर घुमाते हैं कितने प्रकार के आकार उत्पन्न होता है उसमें, जो भी आप चाहते हैं उसको घुमाने से कई प्रकार के आकार दिखाई देगा, परंतु जैसे ही घूमना बंद हो जाता है आकार का ना आकार की उत्पत्ति हुई ना आकार की नाश हुई, केवल मात्र उस वेग के कारण प्रतीति एक होता है। ठीक इसी प्रकार वासना के वेग से यह जगत प्रपंच ये अलक्षण प्रपंच निष्कर्षित अलग शांत हो जाए यह वासना के वेग शांत हो जाए बस उस प्रति इसी के आपको बोलने के लिए समझा रहे हैं। वैतत्व प्रकरण से अवांतर विषय विशेषम उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्जाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति। देखिए जहां पे हमने तत्व प्रतिपत्ति अद्वैत प्रतिपत्ति में वहां पे दीर्घ विकार दिखाई दे रहा है और जब यहां पे रज्जु सर्प प्रतिपत्ति में यहां पे ह्रस्व विकार विसर्ग दिखाई दे रहा है। आपके पुस्तक में ऐसे लिखा है ना, गलती तो नहीं है, ये सही है ना, ये सही है, ये आपको मैं पहले बोला हाँ आप भी पढ़ाए इसको देखो लकार के बाद लकार रहता है, कोई भी अकार भिन्नों किसी भी भागल के बाद विसर्ग आता है तो र में बदलते हैं और उसके बाद यदि र रहता है तो कहते हैं रो इससे पहला लकार का रूप हो जाता है और पहला लकार का रूप होने पर वहाँ पे उसके ऋ रोपे पूर्वस्य दीर्घमन इसे तो पढ़ा आपने ऋ रोपे पूर्वस्य दीर्घमन अथवा रकार का लोप हो जाने पर उससे पहले जो अक्ष रहता है सर्वप्रथम उसको दीर्घ हो जाता है दुर्यति रक्षति। हां ये एक दृष्टा प्रयोग रखने से काम हो जाएगा ठीक। इसलिए आप बोलते हैं कि दैत्यस्य दैत्य प्रपंचस्य उपशमे जिस दैत्य प्रपंच के शांत हो जाने पर अद्वैत प्रतिपत्ति ये अद्वैत की बोध उत्पन्न होता है। जैसे दृष्टांत रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प जलधारा भूचित्र दंड माला जितना विकल्प आपने किया वो जब उपशांत शांत हो जाता है ना रज्ज्वाम इव जैसे रज्जु में सर्पादि विकल्प शांत होने पर रज्जु तत्व प्रतिपत्ति रज्जु का स्वरूप का बोध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जितना विकल्प हमने अपने ऊपर कर रखा मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ ना जना और क्या क्या विद्वान हूँ सन्यासी सारा विकल्प को हटा देना
मालूम ठीक नहीं होता, इसलिए होता है। जब ये इसको हम हटा पाएंगे, कब हटेगा ये, जब हम इसको निश्चय करेंगे। जैसे देखिए स्वप्न में देखे हुए वस्तु को कोई भी व्यक्ति जाग करके नहीं सोचता कि मुझे प्राप्त हो जाए, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सात्विक वस्तु सत्य नहीं। ठीक इसी प्रकार माया निद्रा से सोया हुआ व्यक्ति हम बोलेंगे, जब जग जाता है वो अपने आप ही निश्चय करते हैं कि वो वस्तु में भी पारमार्थिक का नहीं है, स्वरूप में ही एक मात्र सत्य वस्तु है। इसी के अंतर्गत बोलते हैं दस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति अद्वैत का बोध हो जाए। जैसे रज्जामिव सर्पादि विकल्प उपशम में रज्जु तत्व प्रतिपत्ति रज्जु स्वरूप का बोध हो जाता है। उसी को देखिए ठीक हम समझा रहे हैं। आरोपित निषेधे सति अनारोपित प्रतिपत्ति स्वाभाविकी इति अत्र दृष्टान्तम्। आरोपित वस्तु को निषेध कर देने पर है ना, ये सति शब्द में है, आरोपित निषेध सति, आरोपित वस्तु निषेध कर देने पर कंडीशनल से सति शब्द, अनारोपित प्रतिपत्ति जो आरोपित इस भाव नहीं है उसका बोध हो जाता है, वो स्वाभाविक ही होता है, वो स्वाभाविक होता है। इति अत्र इस विषय में प्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरण। इस प्रकार द्वैत प्रपंच का बी तथा मतलब मिथ्यत्व को प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय द्वैतत्व प्रकरण आया हुआ है। ठीक है, पहले श्रुति वाक्य को मान्यता दीजिए, फिर लॉजिकली उसको रिइंफोर्स करिए। अचानक जन्मांतर स्वीकृति नहीं होने से केवल सुनने से अनुमति नहीं होगा, आपको श्रुति वाक्य को मन में रख करके मनन ही मनन युक्तिपूर्वक उसको देखा। इसलिए आगे बोलते हैं कि तस्य दैतस्य हेतुतः ना युक्तिपूर्वक द्वैतत्व प्रतिपादनाय, उसके लिए मतलब मिथ्यत्व को प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण, द्वितीय प्रकरण है। वहाँ भी देखिए जो हेतुतः पद आया हुआ है उसको टीकाकार अर्थ करते हैं हेतुतः, मतलब तस्य प्रत्यापि पंचमे अर्थ में हेतु से, हेतु के द्वारा। ये क्या हेतु है? विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् विवादास्पद द्वैत प्रपंच, विमतम विवादास्पद द्वैत प्रपंच मिथ्या अस्मात् दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। केवल एक शब्द बोल दिया, देखिए हृदय बुद्धि अदृश्यत्वात् एक शब्द एकदम आगे इतना पूरा अनुमान बैठा हुआ है। जैसे कहा स्वप्न में आप देखा, स्वप्न में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता मिथ्या। इसीलिए एक दिन मैं हरिमन मंदिर जी और एक व्यक्ति जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, केवल
कुछ देर के लिए प्रतीति होता है, वो वस्तु पारमार्थिक नहीं होता, वस्तु पारमार्थिक नहीं होता। जब हम घर से भाग रहे थे तब मेरे पिता माता पीछे घूमते घूमते आए, पशुपति आश्रम में एक बूढ़ा महात्मा था, वो महात्मा ने मेरे को पहले एक दिन बताया तो उनको बता समझाया, तो मैं तुम्हारी माता जी को समझाया, क्या समझाया, ये पुत्र तुम्हारा पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़ी देर के लिए कोई सत्य नहीं है, इसके साथ माया छोड़ो। महात्मा ने मेरे को पूरा के पूरा शास्त्र अनुसार कह दे तो एक ही मत होती,
अलग अलग भाग्यों का अलग अलग मत है, कोई परिणामवादी है, कोई आरंभवादी है, कोई उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग भाग्यों की सृष्टि की प्रक्रिया में विरोध देखकर यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं, पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं। से होते हैं ये अवैधिक अनित्येषां अन्योन्य विरोधित्वा और तथात्वेन मतलब वो पारमार्थिक नहीं होने के कारण तब उपपत्ति ही केवल उसी को युक्ति के द्वारा निराकरण करने के लिए चतुर्थम प्रकरणम चौथा प्रकरण आता है। ठीक है, समय हो गया, कल इसको पढ़ेंगे। मतलब वन लाइन, पहला प्रकरण जो आगम प्रकरण, इसका मूल श्रुति यही है, श्रुति ओंकार, ओंकार है, ओंकार की मात्रा और हमारे जीव की अवस्था इसके तुलना करते हैं। Thank you.